जैसे कि आपने टाइटल देखा तो फिल्म जो है उसमें प्रेम है और प्रेम को पाने के लिए जो तपस्या है वो एक्शन है, मतलब एक एक्शन और एक प्रेम कहानी है। आपके बारे में आपको जो सफर रहा भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला, कौन सा फिल्म था, आगे क्या कर रहे हैं और कितना ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है इस फिल्म? अभी तक जो मेरी दोनों फिल्में हैं और दोनों बन के तैयार है, एक मेरी होली से पहले आ रही है बद्रीनाथ और रैम्बो राजा होली के बाद आ रही है, और रैम्बो राजा पूरी एक्शन फिल्म है, बद्रीनाथ में भी एक्शन है प्लस एक्शन प्लस कॉमेडी है, और ये फिल्म है, ये एक प्रेम कहानी करने का मुझे मौका मिला है तो मैं खुश हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य मैं कैसे बता सकता हूँ, हम सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और सबके कंट्रीब्यूशन से जो है वो फ्यूचर डिसाइड होता है। एक एक व्यक्ति जो है वो केवल अपना योगदान दे सकता है ना, मैं अपना अच्छा योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ और सब अपने तरीके से अपना अच्छा योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सभी से प्रभावित हूँ, जो भी सीनियर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जब जब उन्होंने अच्छा काम किया है तो मैं ही क्या, मतलब पूरी भोजपुरी की जनता उनसे प्रभावित है, अच्छे काम को देख के तो सब प्रभावित होते हैं ना, तो जो भी सीनियर अच्छा कर रहे हैं हमें सीखने को मिलता है उनसे, चाहे वो कोई भी हो, मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोलूँगा, सब अपने अपने जनर में अच्छा कर रहे हैं। नहीं देखिए, क्या होता है कि हमारे पास जो फिल्में आती हैं ना उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी मतलब जो है भूमिका क्या है, मुझे करने को क्या मिल रहा है, अगर मुझे कुछ करने को ही ना हो फिल्म में तो मैं वो फिल्में चुनता नहीं हूँ, मेरे को कोई नंबर ऑफ फिल्म नहीं करना है, मुझे वही फिल्में करनी है जिससे मुझे कुछ करने का मौका मिले। ये फिल्म है, सर ने मुझे बताया, मुझे अच्छा लगा और सर के साथ मैं काम कर रहा हूँ और सर के साथ एक और प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वो भी फाइनलाइज है, तो मैं चाहता हूँ सर के साथ अच्छी फिल्में करूँ और हमारी जोड़ी आगे लंबा काम करे। सबसे पहले बोलूंगी नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ग्लोरी मोहंता और रहा सवाल, बहुत खुश हूँ, साल का पहला मुहूर्त है जो मैं अटेंड कर रही हूँ एंड आई होप कि मैं भी काम करूँ, और हर मुहूर्त में मैं होप करती हूँ कि मैं भी काम करूँ, सब मुहूर्त से गिने चुने में काम कर लेती हूँ। देखिए मैं आइटम सॉन्ग करती हूँ तो मुझे किसी का प्रेम मिलता नहीं है, तपस्या जरूर मिल जाता है तो पता नहीं। अगर कुछ लोग बदल जाएंगे तो शायद भविष्य भी बदल जाएगा, तो वो लोग बदलने के लिए वो लोग रहे या निकल ले तो बेटर है। काफी फिल्मों में आइटम सॉन्ग किया है तो आज के दौर में जो हुआ है रुकावट थोड़ी रोकथाम हुई है, जो पहले की बात अगर करें तो आज के दौर में हर चीज़ में थोड़ी रोकथाम हुई, वो अच्छी बात है, अच्छी पहले बुरी पहले क्या करना है? मेरे से लोगों के लिए बुरा बात है क्योंकि मेरा घर इसी से चलता है, और रहा सवाल आइटम सॉन्ग में कोई रुकावट नहीं है, हीरोइनें आजकल स्पेशल सॉन्ग कर रही हैं तो वो आइटम सॉन्ग के बराबर ही है, तो गलत चीज़ रोक रहे हैं और जो होना है वो आज भी हो रही है। अप्रैल में आगे क्या बनाएंगे वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, अभी क्या बताएं, मैं अभी आपको क्या बताऊं, पहले ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरी मैं अनाउंस करूंगा, फिर आपको मालूम होगा, आप लोग तो आएंगे ही आएंगे, सही है कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन होप है कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही तालाब में है तो मिल सकते हैं। नहीं अभी तो करेंगे सबको, और एक ही तालाब में है तो तैर रहे हैं तो सबसे मुलाकात होगी और सबको साथ में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली मैं बताना पसंद नहीं करती हूँ, पहले वो रिलीज़ हो जाने दीजिए, बन जाने दीजिए, बिकॉज मेरे प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि एक आइटम डांसर को उन्होंने एज अ लीड लिया है, बिकॉज सो कॉल्ड मेंटेलिटी कि एक लड़की पे टैग लगा है आइटम डांसर का और आपको आप उसे हीरोइन कैसे बना सकते हैं, तो मैं इसलिए नहीं बताना चाहूँगी, या फिर पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, पता चला लोगों ने देख लिया और उधर जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पता चला मुझे आइटम ही करवा रहे हैं, तो रहने दीजिए इस चीज़ को। सुन रहा था और सुन के बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उनकी नीयत और सोच कि मैं नदिया के पार जैसी एक साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म मैं भोजपुरिया समाज को दूं, वो बात मुझे
बहुत पसंद आई कि कम से कम आज के दौर में जहां केवल और केवल मनोरंजन के पीछे ही, मनोरंजन तो बहुत ज़रूरी है, वो तो एक अभिन्न अंग है सिनेमा का, लेकिन अगर उसके साथ साथ कुछ बढ़िया मैसेज हो सामाजिक पारिवारिक और पूरे परिवार के साथ सिनेमा देखा जा सके, क्योंकि हमें याद है हमारा बचपन का दौर जब था तो हमेशा पिताजी टिकट्स लेके आते थे और पूरे परिवार को साथ में लेके सिनेमा दिखाने ले जाते थे, तो वो दौर कई बार अभी बहुत मिसिंग लगता है और बड़ी कमी लगती है कि केवल और केवल मनोरंजन के पीछे हम लोग जो है एक अंधी दौड़ की तरह, मतलब अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, तो कम से कम उससे अलग हट के मनोरंजन के साथ साथ कुछ बढ़िया सिनेमा पारिवारिक सामाजिक मुद्दे हों, कुछ अगर 150 रुपए का टिकट से लेके कोई जाए तो मनोरंजन के साथ में कुछ सीख के भी आए कुछ लेके भी आए। खैर ये तो सब चलता रहेगा और मुझे सोच बहुत बढ़िया लगी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स गुप्ता जी को और अपने डायरेक्टर तो राजेंद्र वर्मा जी हैं और प्रोड्यूसर्स हैं क्या नाम है रितेश जी को शैलेश जी को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और पूरी प्रेम तपस्या की टीम को, सारे जो टेक्नीशियंस हैं आर्टिस्ट हैं और हमारे छोटे भाई, इनके साथ कुछ मूवीज़ में पहले कर चुका हूं तो हम दोनों का जो आपस में एक स्नेह है एक रिश्ता है और पावर स्टार तो आप देख ही रहे हैं, पावर ही पावर है ऊपर से नीचे तक, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं छोटे भाई के लिए भी और पूरी प्रेम तपस्या की टीम के लिए। नमस्कार करता हूं और बड़े भैया का आशीर्वाद है कि मैं यहां पहुंचा हूं। मेरा नाम सुधीर चंचल है, मैं बहुत सारा शॉर्ट फिल्म किया हूं, अभी मेरा शॉर्ट फिल्म शायद वेब से रिलीज होने वाला पहला शॉर्ट फिल्म आएगा, मेरा वेब को हमने दिया है, मैं वेब सीरीज में काम किया हूँ, ये मेरा दूसरी भोजपुरी फिल्म है और मैं इस फिल्म में दो गाने राइट भी किए हैं। और सबसे बड़ी ये चीज़ बात है कि प्रेम तपस्या, कोई पूछता है भाई ये हिंदी मूवी है कि भोजपुरी मूवी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को कन्फ्यूज करते हैं हम लोग कि भाई हिंदी मूवी है या भोजपुरी में, इसलिए टाइटल बहुत अच्छा है। और मैं इस फिल्म में इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि अपना 100% से ज़्यादा एफर्ट दूँ ताकि अच्छा लगे लोगों को, तो मैं से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर हम लोगों का हेल्प कीजिए, क्योंकि मीडिया ही भगवान होता है, मीडिया चाहे तो लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, इसलिए चलिए मैं यही बोलूँगा धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ कि संजीव भैया का मैं पोस्टर देखता था बद्रीनाथ के, इतना बार मैं ट्रेलर देख लिया, कब मिलेगा काम करने का मौका और आज मिल गया, इसलिए मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और मैम का भी कि हम लोग अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल,